तो गाइस देख सकते हो स्नो से नहला दिया ये तो। यहाँ पर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, इट मींस समर वेकेशन के लिए परफेक्ट है एंड हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हेलो गाइस, आ गए मैं फिर से नई वीडियो के साथ और आज हम आपको लेके आए हैं स्नो मस्ती के अंदर। जो टिकट के प्राइस है, लोकेशन वगैरह मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ग्रैंड वेनिस मॉल के भी अंदर हम आए थे और यहाँ पर स्नो मस्ती के अंदर अभी हम जाएंगे और वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो गाइस स्नो के अंदर खेलेंगे, फुल इन्जॉयमेंट होने वाला है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि एंट्री है कि नहीं है। तो चलो फटाफट से जल्दी चलते हैं। तो चलो 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 चलो। स्नो मस्ती का टिकट का प्राइस है 900 रुपये और बच्चों के लिए 450 रुपये। अगर आपको अनलिमिटेड राइड्स चाहिए तो 1300 रुपये के अंदर, और आपको सॉक्स जो है लेनी पड़ेगी जो 50 रुपये की होती है। और बाकी जो टिकट के प्राइस है आप देख ही सकते हो इसके अंदर वीडियो को रोक कर। ये है टिकट काउंटर, आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग जो है अपने टिकट परचेस कर रहे हैं और आप भी यहाँ पर काउंटर से टिकट लोगे। और फिर चलते हैं, एंट्री करते हैं फटाफट से बिना देरी करे। और आप देख सकते हो काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। तो ये स्नो मस्ती का काउंटर है। यहाँ से जो है हमें ठंड से बचने के लिए कपड़े दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर चेंज करके फिर हम एंट्री करेंगे अंदर से। चेंजिंग रूम है एक तरीके से। यहाँ पर आप शूज वगैरह अपने रख सकते हो, आप देख ही रहे हो। और यहाँ से आपको एक कॉस्ट्यूम कलेक्ट करनी है और फिर चलते हैं, ठीक है पाजी। मस्ती जोन के अंदर हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहन लिया है जैकेट, और आप लोगों को यहाँ पे जो मिलने वाली है पैंट मिलेगी और साथ में जैकेट मिलने वाली है, और शूज़ जो है पीछे से मिलेंगे। तो अभी शूज़ भी पहनेंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो रणदीप भाई रेडी हो? मिलते हैं जूते, आप देख सकते हो। और अभी जूते लेंगे और जूते पहनेंगे और चलते हैं। तो भालू जो है आपका इंतजार कर रहा होगा, तो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं बिना देरी करे। और स्नो मस्ती के अंदर आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर भाई। तो एंट्री करते हैं, और आपको एंट्री करने के बाद यहाँ पर दो पेड़ दिखेंगे, तो फिर हम यहाँ से एंट्री करते हैं। और यहाँ पर ग्लव्स वगैरह, जो ग्लव्स हम पहनेंगे बाद में। और ये है कुछ व्यू इस तरीके का, और यहाँ से होती है एंट्री। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो यहाँ से चल रहे हैं हम अंदर, और भाई यहाँ तो जन्नत का नज़ारा भाई, कसम से मज़ा आ गया। यहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है हमें चारों तरफ भाई, और बर्फ़ ही बर्फ़ है। और चलो फटाफट से अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हो, और ये गेट हो चुका है बंद। और ग्रैंड वेनिस मॉल के अंदर हम आ चुके हैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। और ये कुछ बना हुआ है इस टाइप से, और नीचे देख सकते हो बर्फ़ ही बर्फ़ है, और पत्थरों वाली बर्फ़ लग रही है। मतलब जम जाती है ना तो बर्फ़ पत्थर में बन जाती है, ऐसा कुछ व्यू लग रहा है। और नीचे देख सकते हो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। और हाथ में ले कर दिखाता हूँ मैं आपको, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है बर्फ़। आप भी यहाँ पर विज़िट करो, मज़ा आ जाएगा कसम से गाइस। बर्फ़ के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी हम दिखाएंगे आपको कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने को दिखेगी आपको, और मज़ा आना है स्नो मस्ती के अंदर। चलते हैं और चलो फन करते हैं, इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, मज़ा आने वाला है। तो चलो आगे फटाफट से चलते बिना देरी करे। ये पाजी टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हो? पाजी पाजी कितना लग गया फिर? मज़ा आ गया ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो बच्चे वगैरह भी इसे इजीली कर सकते हैं। आप भी आओ यहाँ पे ट्राई करो स्नो मस्ती के अंदर, तो मज़ा आ गया, हमें भी इंजॉयमेंट बहुत हुआ। ओए ओ अरे तो गाइस देख सकते हो स्नो से नहला दिया ये तो, ये तो स्नो से नहला दिया। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हिरन बना हुआ है, और यहाँ पर आप इग्लू बना हुआ है, यहाँ पर आप फोटो शूट भी कर सकते हो। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर उस टाइप से करने के लिए, और मज़ा आने वाला है। तो चलो चलते हैं। और ये गाइस अंधेरी गुफा के अंदर हम आ चुके हैं, और अभी जल्दी से चलते हैं फटाफट से। और कुछ इस तरीके से व्यू दिखेगा आपको, नज़ारा बहुत खतरनाक है यहाँ पर। ये क्या ऊपर ड्रिप लगाया हुआ है क्या बालों में, जो ये जम गया यार पूरा गोले फैक्ट्री के बारे में आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। -12 सेल्सियस डिग्री के अंदर में हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक इंजॉयमेंट हो रही है, और फीलिंग बहुत अच्छी है। हाथ वहाँ ठंडे हो गए, ठंड वाली फीलिंग है, ठंड लग रही है। बाहर बहुत गर्मी थी और अंदर ठंडा ठंडा कूल, अलग ही ठंडा ठंडा कूल कूल लगाओ यहाँ पे, नवरत्न लगा के मत आ जाना। तो चल रहे हैं सीधे सीधे आगे, और हमारे भाई भी आ रहे हैं पीछे से। और ये है पुल, और पुल से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। और ये देख सकते हो आप कैसे मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ पे रील शूट हो रही है, और फुल मज़ा आ रहा है।
ओए 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 ये क्या है, ये तो बच्चे बनती हो गई। ओए मस्त मजा आ रहा है, फुल इंजॉयमेंट हो रही है। यहाँ पर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, इट्स बीन समर वेकेशन के लिए परफेक्ट है एंड हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और -12 डिग्री सेल्सियस में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लास्ट ईयर मनाली गई थी। अच्छा, ऐसी फील आ रही है दोबारा। तो गाइज आप देख सकते हो मैम को मनाली वाला फील आ रहा। और मतलब बर्फ के साथ आपने खेला या नहीं खेला अभी तक? अच्छा, अभी और खेलोगे तो इंजॉयमेंट करना, फुल मस्ती करेंगे। चलो बाय। अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाकर पहले वो करेंगे और फिर स्लाइड करेंगे, मजा आने वाला। हमारे भाई पहले ही चले गए। अरे 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 अरे, ये भी करेंगे, मजा आने वाला। फटाफट से चलते हैं फिर। और ये देख सकते हो स्लाइड हो रही है वहाँ पे। ओ वाओ, भाई स्लाइड साहब कैसा लगा? मजा आ गया भाई, मजा आ गया ना। फुल मजा, इंजॉयमेंट हुआ भाई को, मजा आ गया। हम ये वाली राइड करने जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हम डरेंगे नहीं और करके दिखाएंगे। और हेलमेट की ज़रूरत तो हमें है नहीं, तो अभी हमने ये ट्यूब ले लिया, आप देख सकते हो। सो गाइस अभी पकड़ी हुई है ट्यूब, हम देख सकते हो आप। और अभी हम ऊपर तक आ चुके हैं, ये वाली स्लाइड हमने करी ली थी और अभी करेंगे खतरनाक स्लाइड ये वाली। ऐसे बैठना, नीचे रुके, दोनों हाथों के हैंडल से को जोर लगा के, हैंडल पे जोर लगा के। अच्छा, आगे इसको हिलाना है, हर सर कब सर हो गया पहले इसको हिलाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे हिलाना है तो आप देख सकते हो अभी जा रहे हैं नीचे एकदम, तो मजा आ रहा है। वाओ भाई साहब, फुल मज़ेदार है नीचे। चलो चल चल चल, और ये धीरे धीरे जा रहे हैं अभी नीचे, और अभी आ चुके लास्ट तक नीचे। मजा आ गया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था अपना। पीछे बीच में जाके ना, ऊपर जाके ऐसा लग रहा था भाई आगे जाएगी नहीं, और जब एकदम से नीचे से गई ना बहुत तेजी से गई, मतलब मजा आ गया भाई, जहाज की स्पीड से नीचे आया। अभी स्नो मस्ती से बाहर आए हैं, आप देख ही सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। और आप देख ही रहे थे कैसे बंदे मज़े ले रहे थे, और ऐसा लग रहा था हमें कि हम शिमला में आ चुके हैं। शिमला के नज़ारे हमने आपको दिखाई दिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे पता ही आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे क्या करके जाना, लाइक शेयर कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।